तो भगवान कृष्ण 5,000 साल पहले इस मेटेरियल वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में आया था। तो भगवान जब चला गया, भगवान तो भगवत गीता बोल के गया अर्जुन को, कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि में भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन दिया। और भगवत गीता का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान के प्रति सरेंडर करना अल्टीमेट है आत्मा के लिए। लेकिन इसको भगवान जब चला गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो उसी दिन से कलयुग स्टार्ट हो गया। जिस दिन भगवान चला गया उसी दिन से कलयुग स्टार्ट हुआ। और कली का प्रभाव बहुत बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो भगवान जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड गया तो वहां से देख रहा है कि मैं तो भगवत गीता बोल के आया, लेकिन कोई भी भगवत गीता को फॉलो नहीं कर रहा है। कलयुग में समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो भगवान इसलिए प्लान किया बहुत सारा। भगवान का प्लान ट्रांसेंडेंटल है पूरा पूरी। हम लोग का प्लान जैसा नहीं होता है भगवान का प्लान, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है भगवान का प्लान को। तो भगवान পুরো বন্ধ করে দাও, আওয়াজ আসে, লিফটের খুব আওয়াজ আসবে। ঠিক আছে, ওইটা লাগাতে হবে না খিড়কি। তো তো ভগবান শিবজি কো ভেজা, শিবজি কো শঙ্করাচার্য কা রূপ মে ভেজা ভগবান। তো ভগবান শিবজি কো বোলা কি তুম যাও মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড মে যাও অর মায়াবাদ ফিলোসফি কা প্রচার করো। तो शंकराचार्य का रूप में शिवजी आया और मायावाद फिलोसॉफी का प्रचार किया। तो थोड़ा इसके भी पहले चल जाते, तो कलयुग में ही भगवान का अवतार बुद्ध अवतार आया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध अवतार आया था। तो बुद्ध अवतार क्यों आया था, उसका कारण क्या था कि लोग वेद का नाम में, वेद का नाम पे बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, पशु हत्या कर रहा था, बहुत ही ज्यादा रैम्पेंट एनिमल किलिंग इन द नेम ऑफ वेदस। वेद का नाम पे एनिमल किलिंग चल रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन वेद में जैसे बोला है एनिमल सैक्रिफाइस यज्ञ का, वो उस तरीके से नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ वेद का नाम लेके पशु का हत्या कर रहा था बहुत ज्यादा। तो भगवान सबका पिताजी है, भगवान सबका पिता है भगवान। कृष्ण इज द फादर एंड मदर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ये भगवत गीता बोल रहा है। तो भगवान बुद्ध आया ये एनिमल किलिंग को बंद करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इतना ज्यादा मतलब जो हो रहा था रैम्पेंट, उसको स्टॉप करने के लिए। तो बुद्ध बुद्ध भगवान बुद्ध क्या बोला कि वेद नहीं है, वेद को भूल जाओ। एटलीस्ट दिस वाज नीडेड फॉर द टाइम बीइंग। बोला कि वेद को अभी छोड़ो, एनिमल किलिंग छोड़ो, वेद वेद को अभी भूल जाओ। तो भगवान बुद्ध बोला तो दैट वाज नीडेड फॉर दैट टाइम। उस टाइम पे वो जरूरत था इतना ज्यादा रैम्पेंट एनिमल किलिंग को स्टॉप करने के लिए। तो इसलिए इसलिए बोला जाता है वेद ना मानिया बुद्ध होलो नास्तिक। मतलब भगवान बुद्ध जब बोला कि वेद को रिजेक्ट कर दो, तब जो भी बुद्ध का फॉलोअर है वो नास्तिक बन गया, एथिस्ट बन गया। वेद ना मानिया बुद्ध होलो नास्तिक। तो ये जरूरत था उस टाइम के लिए। भगवान अवतार लेता है एक एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए।
हर टाइम पे सब भगवान भक्ति देने के लिए अपीयर नहीं करता है। भगवान का मिशन रहता है इस मेटेरियल वर्ल्ड में आने के लिए। कोई भी बड़ा आदमी भी कहीं पर जाता है तो उनका मिशन रहता है, हाँ ये काम करने के लिए जा रहा उधर। हाँ तो बुद्ध का ये मिशन था कि भगवान बुद्ध का कि एनिमल किलिंग, रैम्पेंट एनिमल किलिंग को बंद किया जाए। तो अभी क्या हो गया कि वेद का जो प्रचलन है वो कम हो गया पूरा पूरा इंडिया में, और विदेश में तो और भी कम था। तो अभी इसलिए भगवान शिव जी को शंकराचार्य के रूप में भेजा दो चीज करने के लिए। एक है कि वेद को रीएस्टेब्लिश करने के लिए, और दूसरा है कि मायावाद फिलोसॉफी को प्रचार करने के लिए। जो मायावाद फिलोसॉफी है वो क्या है फिलोसॉफी, मायावाद फिलोसॉफी, मायावाद फिलोसॉफी ये है कि सब भगवान है, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान है, ये है मायावाद फिलोसॉफी। तो मायावाद फिलोसॉफी को प्रचार करने के लिए शंकराचार्य को भेजा। तो शंकराचार्य ने वही किया, शिव जी है शंकराचार्य, लॉर्ड शिवा। तो शिव जी तो ये काम जब किया शिव जी, तो ये तो गलत फिलोसॉफी है, मायावाद फिलोसॉफी इज रॉन्ग फिलोसॉफी। सब कोई भगवान नहीं है, भगवान एक ही जन है, कोई भगवान नहीं बन सकता है। कृष्ण इज ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ही हैज लॉट ऑफ इनकार्नेशंस, अनलिमिटेड इनकार्नेशंस। तो ये गलत फिलोसॉफी का प्रचार के पीछे क्या कारण था? एक तो है कि मायावाद फिलोसॉफी के माध्यम से वेद को रीएस्टेब्लिश करना, और दूसरा कारण है कि कलयुग का आत्मा को बिविल्डर करना, कलयुग का आत्मा को और कंफ्यूज कर देना। अब कंफ्यूज क्यों करना है, फिर से कंफ्यूज क्यों करना है कलयुग का आत्मा को? तो जैसे कि जेल में जब जाता है तब तो ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम परफेक्टली एकदम आराम से रखा जाता है, एकदम बहुत अच्छा सोफा बिस्तर देके एकदम पूरा बढ़िया से खिलाया जाता है एकदम। जेल मतलब इट्स अ करेक्शनल हाउस। तो भगवान भी प्लान करता है कि आई हैव टू करेक्ट ऑल दिस लिविंग एंटिटीज। तो भगवान पहले कॉन्फ्यूज करता है सो दैट दे बिकम बिविल्डर्ड, एंड धीरे धीरे उन लोगों को क्या करता है, उन लोगों को भगवान असली मार्ग पे लाता है। तो मायावाद फिलोसॉफी जब शंकराचार्य प्रचार करना स्टार्ट कर दिया तब वेद फिर से रीएस्टेब्लिश हो गया। बुद्ध क्या किया था, वेद को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए बौद्ध लोग सब नास्तिक बन गया, लेकिन फिर से शंकराचार्य वेद को रीएस्टेब्लिश किया। तो शंकराचार्य मेनली बद्रीनाथ में मठ स्थापना किया, और भी कई जगह पे स्थापना किया मठ को, चार जितना मेरे को याद है चार जगह पे बद्रीनाथ में स्थापन किया, पुरी में स्थापन किया, द्वारका में स्थापन किया, और रामेश्वरम में, चार जगह पे ये शंकराचार्य आदि शंकराचार्य का मठ, मेरे को जितना याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, 100% मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बद्रीनाथ में तो है ही आदि शंकराचार्य का। तो फिर से पूरा इंडिया में और पूरा इंडिया का बाहर भी ये मायावाद फिलोसॉफी और वेद का जो ये चीज है वो बढ़ने लगा उस टाइम पे। लेकिन भगवान देखा कि ऐसे मायावाद फिलोसॉफी जो गलत फिलोसॉफी है वो अगर बढ़ते रहेगा तो ये तो सही बात नहीं है, इसलिए भक्ति को एस्टेब्लिश करना जरूरी है। तो इसलिए भगवान माधवाचार्य को भेजा। माधवाचार्य महान आचार्य है कि कौन सा संप्रदाय का, ब्रह्म संप्रदाय का, जिस संप्रदाय में हम लोग भी अवस्थित है इस्कॉन जो श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संप्रदाय में है। तो माधवाचार्य क्या किया कि ये मायावाद फिलोसॉफी का खंडन किया। माधवाचार्य ये बोला कि जीव, द लिविंग एंटिटी, द सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। जो वेद का जो ओरिजिनल जो भगवद गीता का जो शिक्षा है उसको रीएस्टेब्लिश किया।
द सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड द सोल इज एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। सो फिर से जो भक्ति का जो माधवाचार्य जो ब्रह्म संप्रदाय में आया वो उडुपी में जन्म लिया उडुपी और उडुपी कृष्ण को एस्टेब्लिश किया था। अभी भी कर्नाटक में एक जगह है उडुपी जो बहुत सुंदर विग्रह है उडुपी कृष्ण का, तो वहां पे माधवाचार्य का वो हेडक्वार्टर था। तो माधवाचार्य फिर से एस्टेब्लिश किया भक्ति का फिलोसॉफी को। तो चार संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये चार संप्रदाय में कोई भी एक संप्रदाय के साथ हम लोग शिक्षा लेंगे तो परफेक्ट भगवान का बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो ये चार संप्रदाय में कलयुग में चार आचार्य आए थे। तो ब्रह्म संप्रदाय में जैसे मैं बोला कि माधवाचार्य आए और भक्ति को एस्टेब्लिश किया। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी कलयुग का सबसे महान आचार्य था विष्णु स्वामी। कुमार संप्रदाय में निंबार्काचार्य एस्टेब्लिश किया भक्ति का प्रचार किया। और कौन सा संप्रदाय रह गया? श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य भक्ति का फिलोसॉफी को फैलाया और बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। तो साउथ इंडिया में जब हम लोग जाते हैं तो उधर पे श्री संप्रदाय का पूरा जो उधर पे हेडक्वार्टर है जो श्री संप्रदाय का वो है श्रीरंगम में हेडक्वार्टर है। वी वेंट देयर श्रीरंगम 2018 वी वेंट देयर। बहुत बड़ा मंदिर है श्रीरंगम में। तो रामानुजाचार्य का बहुत सारा लीला है साउथ इंडिया में, वो लीला हुआ था। तिरुपति मंदिर भी श्री संप्रदाय के अंतर्भुक्त है तिरुपति मंदिर। तो इस तरीके से ये चार आचार्य चार गुरु परंपरा का ये चार आचार्य भक्ति को एस्टेब्लिश किया और प्रचार किया। तो माधवाचार्य का मैं गौरीय परंपरा में ब्रह्म संप्रदाय में मैं आ रहा हूं। तो माधवाचार्य प्रोमिनेंट था और उनका जो हेडक्वार्टर था वो उडुपी में था, कर्नाटक उडुपी। तो अभी इस टाइम तक माधवाचार्य का टाइम तक कोई श्रीमती राधा रानी के बारे में उतना जानता नहीं था, बहुत ही कम लोग और बहुत ही रेयर लोग। तो माधवाचार्य के बाद चैतन्य महाप्रभु आके श्रीमती राधा रानी का ग्लोरीज को एस्टेब्लिश किया। पहले ये जो राधा कृष्ण जो वर्शिप है, जो विग्रह का पूजा है, ये नहीं होता था उस टाइम पे। उडुपी कृष्ण सिर्फ कृष्ण है। क्लोज दिस डोर, ये लिफ्ट का बहुत आवाज आता है। तो राधा रानी का महिमा के बारे में किसी को पता नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु का ये एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, राधारो महिमा जगते जनाई तो के यदि गौर ना हुई तो। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ना होता तो कोई श्रीमती राधा रानी का ग्लोरीज को नहीं जान पाता। तो ये चैतन्य महाप्रभु का ये कंट्रीब्यूशन था। और चैतन्य महाप्रभु जब चले गए, चैतन्य महाप्रभु तो सिर्फ 48 ईयर्स था इस मेटेरियल वर्ल्ड में। तो चैतन्य महाप्रभु चले गए तो वो चैतन्य महाप्रभु ज्यादा कुछ लिटरेचर नहीं लिखा था। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ शिक्षाष्टकम देखे गया चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम, यही सिर्फ 8 verses जो है चैतन्य महाप्रभु देखे गए। ज्यादा लिखित रूप में ज्यादा कुछ नहीं दिया चैतन्य महाप्रभु, शिक्षाष्टकम ही दिया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये 8 जो श्लोक है पूरा वेद का वो सार है पूरा एकदम, एसेंस ऑफ ऑल द वेदिक स्क्रिप्चर्स दिस शिक्षाष्टकम ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु उनके जो शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को स्पेशल
उपदेश दिया कि भगवान का जो भक्ति का जो लिटरेचर है, वेद में जितना भी लिखा है भगवान के भक्ति के बारे में, उसको कंपाइल करके लिटरेचर लिखने के लिए और उसको फैलाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। तो ये सरग गोस्वामी, सिक्स गोस्वामी ऑफ वृंदावन, इसमें लीडर थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। इनके अलावा जीव गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी था, गोपाल भट्ट गोस्वामी था, ये मिला के हुआ सर गोस्वामी। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ब्रह्म संप्रदाय को फैलाने में। तो सर गोस्वामी के बाद बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण आया। तो बलदेव विद्याभूषण का बहुत बड़ा और एक कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे अगर जो भगवत गीता है, इस्कॉन का जो भगवत गीता, श्रील प्रभुपाद जिसका पर्पट दिया है, ट्रांसलेशन दिया है, जो सबसे वर्ल्ड फेमस भगवत गीता है, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो पहले आप देखिएगा कि श्रील प्रभुपाद किसको डेडिकेट कर रहा है भगवत गीता। बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बलदेव विद्याभूषण वो गोविंद भाष्य का कंपाइलेशन किया था। अब गोविंद भाष्य क्या है? तो जो वेदांत है, वेद का सार है वेदांत। ये मायावादी लोग वेदांत को बहुत मानता है और वो वेदांत को गलत इंटरप्रिटेशन देता है, गलत तरीके से व्याख्या करता है वेदांत को। लेकिन वेदांत का ही सार है श्रीमद् भागवतम। वेदांत को अगर किसी को समझना है तो उसको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। तो ये चार संप्रदाय में जो ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और लक्ष्य रुद्र संप्रदाय, ये चार संप्रदाय हुआ। इसमें जो ब्रह्म संप्रदाय है, ये ब्रह्म संप्रदाय का ये जो आचार्य है वो क्लियर कट बोलता था कि वेदांत का जो कॉमेंट्री है, वेदांत का जो वेदांत को अगर समझना है तो श्रीमद् भागवतम का सहारा ले। लेकिन दूसरे संप्रदाय का लोग ये मान नहीं रहा था कि नहीं, तुम लोग का अपना भी कुछ कमेंट्री होना चाहिए। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण का भक्ति का माध्यम से राधा गोविंद देव जयपुर में, गोविंद जी वो खुद ये कमेंट्री लिखा, गोविंद भाष्य इसको कहा जाता है। तो वो लीला राजस्थान में हुआ था कि गोविंद भाष्य, गोविंद जी भगवान कृष्ण खुद ये लिखा था और ये भाष्य दिया था, एक्सप्लेनेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम आल्सो गोविंद भाष्य का कंपाइलेशन किया था। दैट दिस फर्स्ट टाइम हैपेंड इन राजस्थान, नॉट आई डोंट थिंक इट हैपेंड इन जयपुर, इन अनदर प्लेस मोस्ट प्रोबब्ली, आई एम फॉरगेटिंग व्हिच प्लेस इट इज, इन राजस्थान, मे बी इन करौली, दिस फर्स्ट टाइम हैपेंड। गोविंद भाष्य, तो बल्लभदेव विद्याभूषण का ही कंट्रीब्यूशन था, गोविंद भाष्य कंपाइल किया। और वो कौन कंपाइल किया? बल्लभदेव विद्याभूषण सिर्फ लिखा था, गोविंद जी खुद वो डिक्टेशन दिया था पूरा एक था। तो ये रहा बल्लभदेव विद्याभूषण तक। उसके बाद क्या हुआ कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये जो आंदोलन है वो गलत हाथों पर चला गया था। सहजिया लोग और अपर संप्रदाय का जो लोग हैं उन लोगों का हाथ में चला गया था ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट। वो लोग सब पाप कर्म भी कर रहा था और चैतन्य महाप्रभु का बोल रहा था हम लोग चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर है। इधर पे लड़की लोगों के साथ सेक्स भी कर रहा है और दूसरा तरफ बोल रहा है कि हम चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर है और उधर साधु का ड्रेस में भी है। तो ये गलत हाथों में चला गया था चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट। उसका बहुत कहानी है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ डीप में। बहुत सारे अपसंप्रदाय है, नेरी भेरी कोर्ता भेजा दिस दैट, बहुत सारा उसका नाम है। ये सब अपसंप्रदाय के लोग बोल रहा था कि हम ही लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है, दूसरा कोई नहीं है। और वो लोग हर उल्टा पुल्टा काम करता था और अपने आप को बोलता था कि चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट का वही लोग सब कुछ है।
तो ये गलत हाथों में जब चला गया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भेजा भक्ति विनोद ठाकुर को। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब लोग चैतन्य महाप्रभु का एक्चुअली नॉर्मल जो लोग है मतलब जो एडुकेटेड लोग है या फिर नॉर्मल जो लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर लोगों के प्रति उन लोगों का रिस्पेक्ट चला गया था, क्योंकि देख रहे सब उल्टा पुल्टा काम कर रहा है और इधर बोल रहा है कि ये सब इधर बोल रहा है कि हम ही फॉलोअर है चैतन्य महाप्रभु का, तो जो नॉर्मल लोग जो है उन लोगों का विश्वास हट गया था, जो फेथ नष्ट हो गया था। इसलिए भगवान को भेजना था, एक जो एक महान भक्त को भेजना था उसको रीएस्टेब्लिश करने के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको उसको समाज में और रिस्पेक्ट उसका एस्टेब्लिश हो, उसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर को भेजा। और भक्ति विनोद ठाकुर इतने वो मतलब अपना अपना मेटेरियलिस्टिक लाइफ अगर कहा जाए हाँ, तो देखिए वो मैजिस्ट्रेट था और इतना उसका पोजीशन हाई था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए रेल लाइन कंस्ट्रक्ट किया, सोचिए इतना उनका हाई पोजीशन था। हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के घर में गए थे, इस कुछ आप में से कुछ कुछ जन गए थे हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर का घर मायापुर, श्री मायापुर धाम में, नवद्वीप धाम में, गोद्रुम द्वीप में गए थे उनका घर में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए रेल लाइन कंस्ट्रक्ट किया, सोचिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर के कारण फिर से चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट के प्रति रिस्पेक्ट तैयार होने लगा साधारण आदमी लोगों का, और जो एडुकेटेड आदमी है वो लोगों का फिर से रिस्पेक्ट रीजेनरेट होना स्टार्ट हुआ, रीएस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ। और भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रचार किया था बंगाल में, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अकेला से नहीं कर पा रहा था सब कुछ। भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रे किया कि हमको प्लीज सेंड ए रे ऑफ विष्णु टू मी, मेरे को ये प्रचार, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन का प्रचार के लिए आप मेरे को सहायता भेजिए, प्लीज गिव मी हेल्प, प्लीज सेंड ए रे ऑफ विष्णु टू मी। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत और सरस्वती ठाकुर को भेजा। उनका छोटा में नाम था बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद उनका नाम था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था जगन्नाथ पुरी धाम में। तो उनका उनका पिताजी का नाम भक्ति विनोद ठाकुर है और उनका जो माता का नाम है भगवती देवी। तो उनका अब जब जन्म हुआ तब भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त जिनका नाम था उस टाइम पे, तो भक्ति विनोद ठाकुर वॉज पोस्टेड एज द मैजिस्ट्रेट ऑफ पुरी और उनको एक बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा क्वार्टर में उनको दिया गया था क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट था। पुरी में जहां पे रथ यात्रा होता है जिस जगह से जगन्नाथ पुरी का मंदिर से जो रथ निकलता है और फिर गुंडीचा मंदिर में जाता है, तो वो बड़ोदंड रोड है, बहुत बड़ा रोड है, बहुत बहुत वाइड रोड इज देयर, बड़ोदंड रोड उसको कहा जाता है। तो बड़ोदंड रोड का ही साइड में उनका क्वार्टर था, भक्ति विनोद ठाकुर का क्वार्टर था। तो वहां पे जन्म हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का और उनका नाम दिया गया बिमला प्रसाद। तो क्या हुआ था, जब 5 महीने का 5 months old जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 5 महीने का था तो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज हुआ। तो रथ यात्रा जब ऑर्गेनाइज हुआ तब क्या हुआ, अब भगवान जगन्नाथ तो बड़दंड रोड से पास होता है, मंदिर से निकला और बड़दंड रोड होके फिर गुंडीचा में जाएगा। तो अब जब भक्ति विनोद ठाकुर का घर का सामने आ गया रथ, तो रथ और जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, सब लोग खींच रहा है, लाखों लोग खींच रहा है, लेकिन रथ जा ही नहीं रहा है, रथ मूव ही नहीं कर रहा है, भेजी दो बार बार उसने लौटा। तो क्या हुआ,
फिर क्या हुआ कि जो भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो माँ है भगवती देवी, वो सोचा कि भगवान तो मेरा घर का सामने, हम लोग का घर का सामने आ गया जगन्नाथ रथ, तो मेरा बेटा को लेके जाते हैं बाहर पे और जगन्नाथ का दर्शन करवाते हैं। तो भगवती देवी को डायरेक्ट रथ में चढ़ने का मौका मिल गया, क्योंकि उनका हस्बैंड तो मैजिस्ट्रेट है कि नहीं। तो जब बच्चा को लेके जब रथ में चढ़ गया तो जगन्नाथ जी का गले से माला तुरंत ऑटोमेटिक मतलब खुल गया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गले में वो माला गिर गया। भगवान का कृपा से ये हुआ। भगवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वो भगवान बोल रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये जो बच्चा है 5 महीना का बच्चा, ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। जगन्नाथ जी का माला उनके वो बच्चे का गले में चला गया रथ के ऊपर। तो भगवान दिखा रहा था, भगवान ये समझा रहा था कि ये जो बालक है ये आगे चल के भगवान का भक्ति को पूरा फैलाएगा और भगवान का भक्ति को एस्टेब्लिश करेगा। भगवान कृपा दे दिया उसी टाइम पे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत मतलब वो बहुत अच्छा पंडित भी थे, बहुत ही मतलब स्कॉलर, बहुत ही बड़ा स्कॉलर था। 7 साल का उम्र में उसका पूरा भगवत गीता पूरा एकदम सब पढ़ना हो गया एकदम। 7 years old when he was। तो हम लोग तो भगवत गीता स्टार्ट ही नहीं करता है, कोई 30 साल हो गया, 25 साल हो गया, वो भगवत गीता स्टार्ट ही नहीं किया है। वो भगवत गीता का हर एक श्लोक याद है 7 साल का उम्र में, ऐसा था उनका। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लायन गुरु बोला जाता था, लायन गुरु। वाई लायन गुरु? क्योंकि वो इतना मतलब दमदार तरीके से भक्ति को एस्टेब्लिश करता था कि मायावादी लोग बहुत डरता था उनसे। यू आर फियरलेस एक्चुअली, कोई डर नहीं था उनका। एक बार उनका ऊपर उनको मर्डर करने का अटेम्प्ट भी हुआ है एक बार। मायावादी लोग उनका ऊपर इतना गुस्सा हो गया था कि उनको मर्डर करने का प्लान बनाया था, तो कर नहीं पाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका बुद्धि से वो नहीं, वो लोग उनको मार नहीं पाए। तो उनको वार्निंग दिया था पुलिस ऑफिसर, उनको वार्निंग दिया था कि आपका पीछे वो लोग आपको मारना चाहता है, मर्डर करना चाहता है। उनको बोला भी था पहले। तो ही वॉज लायन गुरु, ही वॉज फियरलेस एक्चुअली। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो वो उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वरूप क्या है, उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो स्वरूप है नयना मणि मंजरी का। मंजरी कौन है? मंजरी है जो लोग, जो भगवान के जो पार्षद, जो श्रीमती राधारानी को असिस्ट करता है भगवान का सेवा में, मंजरी। जैसे रूपो गोस्वामी रूपो मंजरी है, तो सनातन गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मंजरी है। जितना भी प्रोमिनेंट आचार्य आया है ना हम लोग का गुरु परंपरा में, तो वो मंजरी है मेनली, दे आर मंजरी। भक्ति विनोद ठाकुर भी मंजरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अब शिला प्रभुपाद का क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या स्वरूप है, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन बहुत सारे भक्त लोग बोलता है, सीनियर भक्त लोग बोलता है कि इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही इज अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा। क्योंकि उनका शिला प्रभुपाद जब कुछ जो सॉन्ग कंपोज किया वहां पे वो भाव प्रकाश हुआ कि ही इज फ्रेंड ऑफ कृष्णा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद लिख रहा है कि कब वो दिन आएगा फिर मैं भगवान के साथ खेलूंगा। तो उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाता है भक्त लोग, बट इन श्योर शॉर्ट वे वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ शिला प्रभुपाद इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
बट अदर आचार्यस आर वेरी वेरी क्लियर. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो एक बार क्या हुआ कि अच्छा हाँ मैं बोल रहा था नयन मणि मंजरी. तो नयन मणि मंजरी इसको 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 और थोड़ा समझना जरूरी है. तो देखिए ये मंजरी तो भगवान का सेवा करता ही है और राधा रानी को असिस्ट करता है करती है. तो लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एक ही बॉडी में होगा, कोई डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप में भी हो सकता है. देयर कैन बी सेम पर्सन में बी इन टू टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल बॉडीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर हर चीज भी एक व्यक्ति है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो रिवर है, नदी है, वो एक व्यक्ति है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो पेड़ है, वो एक व्यक्ति है, वो स्पिरिट सोल है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो दूध है, वो स्पिरिट सोल है, वो डेड मैटर नहीं है. दैट इज चेतन, दैट इज स्पिरिचुअल, ही इज अ पर्सन. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो स्टोन है, वो भी एक व्यक्ति है. वहां पे सब कुछ व्यक्ति है, स्पिरिट सोल है सब कुछ. तो ये नयन मणि मंजरी, ये दो दो तरफ से, दो इन टू वेज शी सर्व्स कृष्णा. दो फॉर्म है. एक तो फॉर्म है मंजरी का रूप में, जो डायरेक्ट असिस्ट कर रहा है श्रीमती राधा रानी को. और दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू विल बी अमेज्ड टू नो दिस थिंग. तो ये जो कृष्ण, राधा और कृष्ण जो अपने एक दूसरे को जब देखता है ना, दर्शन करता है एक दूसरे को, तो वो जो ग्लांस है, कृष्ण और राधा का जो ग्लांस है, हाँ, वो जब जो ग्लांस एक दूसरे की तरफ जिस ग्लांस से देख रहे हैं, वो ग्लांस भी क्या है, वो एक व्यक्ति है. एवरीथिंग इज पर्सन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ट्राई टू नो दिस थिंग. तो वो ग्लांस है नयन मणि. नयन मणि ये नाम में ही उसका चीज आता है. वो ग्लांस इज अ पर्सन, दैट ग्लांस उस रूप में भी भगवान का सेवा कर रहे हैं. क्वाइट एलिवेटेड थिंग. वी कैन नॉट बाय यूजिंग आवर ओन इंटेलिजेंस, यू नो मटेरियल इंटेलिजेंस, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स. ओनली बाय सरेंडरिंग टू गुरु परंपरा इट इज वी कैन पॉसिबल. अदरवाइज बाय यूजिंग आवर लॉजिक इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. सो इन दिस इज द स्वरूप ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब छोटा था, तो एक बार क्या हुआ था, वो गलती से एक तो आम खा लिया था जो भगवान का भोग नहीं लगाया गया था. आम खा लिया, भगवान का भोग नहीं लगा के आम खा लिया था. सब कुछ भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है. तो उनका पिताजी थोड़ा सा डांटा, हल्का सा डांटा. भक्ति विनोद ठाकुर बोला, अरे तुम भोग नहीं लगा के खाया है, हल्का सा डांटा. तो उसी दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रॉमिस किया कि जिंदगी भर आम नहीं खाएगा. सोचिए, जिंदगी भर फिर कभी भी वो आम नहीं खाया. हम लोग को मान लीजिए कि हाँ, जो लोग जैसे भगवान का प्रसाद लेता है, कि किसी दिन मान लीजिए पनीर खा लिया भगवान को बिना ऑफर किए, तो वो कभी ले पाएगा ये प्रॉमिस ले पाएगा कि हम आज से कभी भी पनीर नहीं खाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेक दिस वाउ? भगवान को बिना भोग लगा के अगर पनीर खा लिया, उसके बाद प्रॉमिस किया कि जीवन में पनीर नहीं खाएंगे, कैन एनीवन टेक सच वाउ? वेरी डिफिकल्ट. तो आम नहीं खाया कभी जीवन में उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो विग्रह है, राधा गांधर्वी का गिरिधारी, चैतन्य मठ है, एक मठ है चैतन्य मठ, वो मायापुर में ही है, श्री चैतन्य मठ. तो वो पहला मठ था जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एस्टेब्लिश किया था, पहला मठ है. एक्चुअली वो 64 गौड़ीय मठ एस्टेब्लिश किया था पूरा वर्ल्ड में, मेनली इन इंडिया
64 गौड़ीय मठ को एस्टेब्लिश किया था, और एक तो मठ वो म्यांमार में बर्मा में एस्टेब्लिश किया था। तो पहला मठ जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो था मायापुर में ही श्री चैतन्य मठ, चैतन्य मठ वहीं पे मायापुर इस्कॉन मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है, वो बहुत ही पास में ही है। और भगवान का जन्म स्थान जो बर्थ प्लेस है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, जो नीम पेड़ है उन उसके भी नजदीक है ये चैतन्य मठ। तो चैतन्य मठ में ये विग्रह है राधा गांधर्वी का गिरिधारी, जो 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 अपना पर्सनल डेटी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, खुद का विग्रह है। तो अभी भी वो है चैतन्य मठ में, तो बहुत ही सुंदर मठ है चैतन्य मठ। कभी अगर मायापुर जाए तो उसको दिखाने का कोशिश करूंगा चैतन्य मठ। दिस इज द फर्स्ट मठ, दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ गौड़ीय मठ। तो एक बार शिला प्रभुपाद से एक जन पूछा कि प्लीज कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो शिला प्रभुपाद रो दिया, उनका आंख से आंसू आ गया, बोला व्हाट कैन आई से अबाउट माय स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज अ वैकुंठ मैन, ही इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही इज अ वैकुंठ मैन। शिला प्रभुपाद का आंख से आंसू आ गया। तो शिला प्रभुपाद को दो इंस्ट्रक्शन दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फर्स्ट टाइम जब मीट किया था, जब शिला प्रभुपाद 26 साल का उम्र था, फर्स्ट टाइम शिला प्रभुपाद मीट किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, वो कब मीट किया था, कहां पे मीट किया था, उल्टा डंगा जंक्शन रोड में मीट किया। फर्स्ट टाइम शिला प्रभुपाद का शादी हो गया था, रिसेंटली शादी हुआ था, और उनका दोस्त उनको लेके गया कि एक बहुत ही स्पेशल साधु आया है, शिला प्रभुपाद का दोस्त बोला। तो शिला प्रभुपाद बोला नहीं नहीं, मेरा तो घर में बहुत सारा साधु आता रहता है, मेरा पिताजी बहुत सारा साधु लाता था घर में, ज्यादातर बेकार साधु है, हाँ ज्यादातर ढोंगी बाबा है, हाँ सब चीटिंग बाज है ज्यादातर, हम नहीं जाएंगे। तो दोस्त उनका दोस्त बोला कि नहीं नहीं ये साधु बहुत स्पेशल है, तो फिर चला गया। उल्टा डांगा जंक्शन रोड में फर्स्ट मीटिंग हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का और शिला प्रभुपाद का। 26 इयर्स ओल्ड था शिला प्रभुपाद एट दैट टाइम। तो फर्स्ट मीटिंग में ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दिया, यू आर एन एजुकेटेड यंग मैन, इंग्लिश एजुकेटेड, Why don't you preach the message of Lord Chaitanya? Chaitanya Mahaprabhu का वाणी को क्यों नहीं आप प्रचार करते हैं, फैलाइए बाहर के दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लेके जाइए भगवान का मैसेज। पूरा चौंक है श्रील प्रभुपाद, फर्स्ट मीटिंग में कौन ऐसे बोलेगा, सोचिए। श्रील प्रभुपाद वॉज वेरी सरप्राइज्ड। और दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया था कि वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, बुक प्रिंटिंग का इंस्ट्रक्शन दिया था, बहुत ये बड़ा इंस्ट्रक्शन था। इसलिए शिला प्रभुपाद बीबीटी एस्टेब्लिश किया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, यही भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट सभी बुक्स का, इस्कॉन का जितना भी बुक्स है वो प्रिंटिंग करता है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। बीबीटी और इस्कॉन ये अलग है, बीबीटी इज वन एक्चुअली सभी शिला प्रभुपाद के मूवमेंट में है, लेकिन बीबीटी इस्कॉन का जो मैनेजमेंट है, इस्कॉन का जो जैसे चलता है, और बीबीटी का जो संचालन है वो अलग से होता है। शिला प्रभुपाद बोला कि बीबीटी कभी बंद नहीं होना चाहिए, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट शुड नेवर स्टॉप। जिस दिन बुक प्रिंटिंग बंद हो जाएगा उस दिन पूरा एकदम ये मुश्किल हो जाएगा। शिला प्रभुपाद ऐसा ही बोला, मान लीजिए कि इस्कॉन बंद हो गया किसी दिन, ऐसा अगर स्थिति आया कि इस्कॉन बंद हो गया, लेकिन शिला प्रभुपाद का जो बुक्स है वो प्रिंटिंग होता रहा, तो कोई ना कोई भक्त बन के फिर से इस्कॉन एस्टेब्लिश कर देगा। वैसे भी इस्कॉन मूवमेंट, हरे कृष्ण मूवमेंट इज ओनली गोइंग टू बी देयर फॉर द 10,000 ईयर्स, उससे ज्यादा तो रहेगा ही नहीं, उसके बाद तो घोर कलयुग आना ही है। लेकिन इस 10,000 ईयर्स में भी 10,000 साल भी कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो 10,000 साल में ऐसा टाइम आया कि इस्कॉन बंद भी हो जाएगा तो कोई शिला प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के फिर से इस्कॉन को एस्टेब्लिश कर देगा, लेकिन बुक प्रिंटिंग बंद नहीं होना चाहिए।
इसलिए बीबीटी को सेपरेट रखा गया है इस्कॉन से। इस्कॉन और बीबीटी दीज आर टू ऑर्गेनाइजेशन बट दिस दे आर द फाउंडर इज श्रील प्रभुपाद। इसलिए श्रील प्रभुपाद को बोला जाता है इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य। इस्कॉन का फाउंडर आचार्य भी है, बीबीटी का भी फाउंडर आचार्य। तो ये दो इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद को दिया था भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर फर्स्ट मीटिंग में, ये उल्टाडांगा में, उल्टाडांगा जंक्शन रोड में ये इंस्ट्रक्शन दिया था। उल्टाडांगा जंक्शन रोड में हम लोग जब गए थे कुछ मंथ पहले, वो जगह पे गए थे जहाँ पे, वो छत पे गए थे जहाँ पे मीटिंग हुआ था भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर और श्रील प्रभुपाद का। बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्रेशन अलग सा है इधर से, इट्स अ डिफरेंट प्लेस कम्प्लीटली। ऑल्दो इट इज ऑर्डिनरी, एक्सटर्नल आइज से ऑर्डिनरी एक छत है, लेकिन स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ही कुछ अलग है उधर का। बहुत खुश हो गया उधर पे जाके मैं। और फिर से सेम इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिपीट किया राधा कुंड में, जब राधा कुंड में फिर से सेम इंस्ट्रक्शन दिया प्रभुपाद को, प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रिंट बुक्स। सेम इंस्ट्रक्शन रिपीट किया जब उसके बाद, उसके कई साल बाद श्रील प्रभुपाद राधा कुंड में गया था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में था, तब रिपीट किया सेम इंस्ट्रक्शन। तो एक बार उसी जगह पे क्या हुआ था, एक बार एक तो लीला हुआ था वहां पे कि वृंदावन परिक्रमा, हर साल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन परिक्रमा करवाता था भक्तों के साथ वृंदावन में, वृंदावन का बहुत सारा जगह पे घुमाता था और उन जगह का लीला बताता। तो क्या हुआ कि एक बार यही वृंदावन का एक जगह पे कैंप लगा, एक महीने का पूरा परिक्रमा होता था। जहां पे कैंप लगा वहां पे क्या हुआ, शाम का टाइम पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर देता था और सभी हजारों हजारों लोग सब लेक्चर सुनता था, ठीक है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या किया कि एक ठो चीज बोला कि आप लोग चाहे तो लेक्चर सुन सकते हैं या फिर पास में जो विष्णु मंदिर है, फेमस विष्णु मंदिर था पुराना, वहां पे जाके भगवान का दर्शन करके आ सकते हैं, आपका ऑप्शन है ये, ठीक है ना। आप आइदर यू कैन बी इन द लेक्चर और यू कैन बी इन द विजिट एंड सी द डेटी, वो आप दर्शन कर सकते हैं भगवान का। तो मैक्सिमम लोग एकदम 99% जो थे उधर पे, तो भक्त लोग वो सब डेटी का दर्शन करने चला गया, सब विष्णु टेम्पल, वेरी फेमस विष्णु टेम्पल वृंदावन का, सब दर्शन में चला गया। सिर्फ हाथ में 10 से 15 जन वो लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें से एक जन था श्रील प्रभुपाद। तो जब सब लोग लौटा दर्शन करके, जब सब लोग लौटा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला, व्हाट कैन यू सी इन वृंदावन बाय योर आईज, डू यू फील दैट यू कैन सी वृंदावन थ्रू योर आईज, यू कैन नेवर सी वृंदावन विथ योर मेटेरियल आईज, इफ यू हैव टू एंटर इनटू वृंदावन और मायापुर और एनी धाम, यू हैव टू हियर थ्रू द इयर्स, यू कैन एंटर द धाम with your ears, you have to hear the glories of the dham, otherwise you cannot understand how can you see Krishna with by your material eyes if you don't hear the glories of the dham। aur ye bhi bola bhakti sanand sarasvati thakur ki shila prabhupad ke taraf wo indicate karke bhakti sanand sarasvati thakur bola ja abhay charan ये बहुत अच्छा से सुनता है, तो दिस इज व्हाई ही इज वेरी नो डियर, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अटेंटिवली सुनता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वहां पे पॉइंट आउट किया श्रील प्रभुपाद के प्रति। तो वही चीज जब इनिशिएशन लिया 1933 में, जब प्रभुपाद इनिशिएशन लिया, दीक्षा लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तब वही चीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला कि आई हैव नोटेड हिम दैट ही hears very attentively। ये चीज वो इनिशिएशन के टाइम, दीक्षा के टाइम 1933 में वो बोला था।
तो उनका एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में इतना ज्ञान था कि कोई आम का पेड़ देख के वो बोल देता था उस आम का पेड़ से कौन सा आम गिरेगा। इतना मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति था। और गणित में और एस्ट्रोनॉमी सूर्य सिद्धांत लिखा, एस्ट्रोनॉमी का सूर्य सिद्धांत कितना डिस्टेंस है सन और अर्थ में वो कैलकुलेट कर दिया सूर्य सिद्धांत में वो है, और मॉडर्न साइंस यूज करके वही वैल्यू निकलता है। उनका पूरा एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी था, जो पढ़ लिया एक बार सारा जीवन में याद हो गया एकदम 100% ऐसा प्रभाव था कि ब्रिटिशर लोग उनके साथ मीटिंग करने आता था चैतन्य मठ में। चैतन्य मठ में अभी भी वो जगह है जहां पर ब्रिटिशर लोग उनके साथ मीटिंग करने आता था। तो ब्रिटिशर लोग एक पोस्ट ऑफिस बनाया उनके लिए, सिर्फ उनके लिए, ताकि पोस्ट ऑफिस का पोस्ट का माध्यम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस पोस्ट ऑफिस का माध्यम से अपना जितना भी शिष्य है सबको चिट्ठी लिख के रिप्लाई दे पाए। इसलिए वो पोस्ट ऑफिस उनके लिए बनाया गया था मायापुर में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक चीज बोला है कि when you get up in the morning, beat your mind 100 times with the shoes. And you go to sleep, when you go to sleep, beat your mind 100 times with the broom. सुबह उठने के बाद 100 बार चप्पल से अपना माइंड को मारो, और सोने जाने से पहले झाड़ू से अपना माइंड को मारो 100 बार। ये माइंड इतना गंदा है, इतना गंदा गंदा सोच सोचते रहता है माइंड, हाँ, तो माइंड को कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके लिए ये बोला है। माइंड कभी चाहता ही नहीं है चैंटिंग करे, और कितना उल्टा पुल्टा चीजें को सोचते रहता है, और भक्ति से दूर जाने के लिए प्लान देता रहता है बहुत सारा। माइंड को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिया। तो एक बार और एक कहानी और एक जो इम्पोर्टेंट लीला है वो बोल के मैं खत्म करूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार क्या हुआ, जब दीक्षा उनका जो स्पिरिचुअल मास्टर है उनका नाम है गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, उनका भी डिसअपीयरेंस डे कुछ दिन पहले गया। तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज पूरा वो बाबाजी था, हमेशा भगवान का नाम लेता था, भगवान का नाम का प्रचार उतना नहीं किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन उनका जो चैंटिंग था कोई ऑर्डिनरी चैंटिंग नहीं था, उस चैंटिंग का माध्यम से ही आगे का दिन में सब कोई भक्त बन रहा है, इतना पावरफुल चैंटिंग था उनका। तो भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला कि तुमको ये गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से दीक्षा लेना है। और गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के पास गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज बोला हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हम तो अनपढ़ है, आप कितना पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, हमसे क्या दीक्षा लीजिएगा, आप तो इतना बड़े एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोलॉजी में इतना बड़े हैं, आप हमसे दीक्षा लेके क्या कीजिएगा, आप दूसरे किसी को पंडित से दीक्षा ले लीजिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गया कि भाई गौर किशोरदास बाबाजी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बाहर से तो दिखता है इलिटरेट, लेकिन कोई भी भागवतम का श्लोक उनको दे दीजिए, बहुत अच्छे से परपट दे देता था, और बहुत स्कॉलरली, अंदर से स्कॉलरली था पूरा एकदम, भगवान का शास्त्र में पूरा एकदम निपुण था, लेकिन बाहर से दिखाता नहीं था कि बाहर से दिखाता था कि इलिटरेट, बहुत ही वैराग्य बहुत ज्यादा था गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, साक्षात वैराग्य मूर्तये, इसलिए उनका जो प्रणाम मंत्र है गौर किशोरदास बाबाजी महाराज का वो ये लाइन है, साक्षात वैराग्य मूर्तये, इतना ज्यादा वैराग्य है, साक्षात वैराग्य का मूर्तिमान प्रतीक, हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते।
गंगा मिट्टी खा के रहता था, हम लोग करने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, मर जाएगा। वी कैन नॉट इमिटेट ग्रेट सोल्स, वी विल डाई इफ यू इमिटेट ग्रेट सोल्स, प्रभुपाद ने बोला। वी कैन नॉट इमिटेट देम। तो वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भगा दिया, हम तो इलिटरेट है, तुम इतना पढ़ाई लिखा हो क्या मेरे से दीक्षा लोगे, तो दूसरा पंडित को ढूंढ लो। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला नहीं नहीं, ऐसे बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं आपसे ही मेरे को दीक्षा लेना। तो बोला कि हम महाप्रभु से पूछ के देखते हैं। तो एक दिन गया, फिर आया कि महाप्रभु से पूछना हो गया, हाँ महाप्रभु से पूछ लिए क्या? बोला मैं भूल गया महाप्रभु से पूछने, चैतन्य महाप्रभु से पूछना, तो मैं फिर मैं पूछूंगा तब तुम आना। तो फिर से गया, फिर से बोला कि महाप्रभु कुछ रिप्लाई नहीं किया, थोड़ा दिन बाद आओ। तो फिर से वो ये किया, ऐसे करके टाल रहा था। तो महाप्रभु खुद उनका सपने में आया, बोला कि इनको दीक्षा दीजिए, एक एक शिष्य को एक्सेप्ट अप कीजिए। तो और शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर फिर ऐसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को दीक्षा नहीं देंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो फिर जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने शिष्य का रूप में एक्सेप्ट किया। और दीक्षा लेने के बाद वो हर दिन एक तीन लाख नाम मायापुर के एक जगह पे बैठ के, श्री मायापुर धाम में जहाँ पे श्री चैतन्य मठ अवस्थित है, वहां पे बैठ के हर एक दिन 3 लाख नाम भगवान का लेता था। हर दिन 16 माला, कितना 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 भगवान का नाम है, 25,000, 24,000, 24,000, 25,000 ऑलमोस्ट, और 3 लाख मतलब बहुत सारा राउंड्स। तो प्रण ले लिया था कि 3 लाख माला में 3 लाख नाम डेली लूंगा। इट इज ऑलमोस्ट 192 राउंड्स। सो हर दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये चैंटिंग कर रहा था, हर दिन इतना राउंड्स चैंटिंग कर रहा था। हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते, पूरा पगला जाएंगे तब ना। 16 माला दिया है भगवान चैत्य शिला प्रभुपाद, 16 माला दिया है, उसी में आने में सब मतलब पैंट पीला हो जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो कोई कोई तो 8-10 में आने में ही पैंट पीला हो जा रहा है, 16 माला ये सपना हो गया है किसी के लिए। हाँ, तो सोचिए, हाँ तो 192 राउंड चैंटिंग स्टार्ट कर दिया, बहुत साल तक ऐसे चैंटिंग करता। तो उनका सपने में भक्ति विनोद ठाकुर आया कि अरे तुम चैंटिंग ही करते रह जाओगे तो इतना ज्यादा चैंटिंग करोगे तो भगवान का वाणी का प्रचार कौन करेगा, तो इतना चैंटिंग मत करो, थोड़ा कम चैंटिंग करो और भगवान का वाणी का प्रचार करो, भक्ति विनोद ठाकुर आके बोला। तब तो भक्ति विनोद ठाकुर चला गया था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सपने में आया। तो भक्ति विनोद ठाकुर के बाद आया नित्यानंद प्रभु, वो बोला कि अरे तुम इतना चैंटिंग मत करो, थोड़ा चैंटिंग को घटाओ, और भगवान का नाम का प्रचार के लिए तुमको भेजा गया है तो वो तुम करो, जाओ शहर में जाओ, कोलकाता में जाओ और प्रचार करो। फिर और भी पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु तक आ गया, सब लोग आ गया, बोला कि जाओ तुम प्रचार करो, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले। तो फिर चैंटिंग, फिर वो जो 3 लाख माला का वो जो चीज है वो छोड़ के फिर प्रीचिंग में लग गया। तो कोलकाता में बहुत साल रहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो बाग बाजार गौरिया मठ में, वो इस बाग बाजार गौरिया मठ में उनका वो इस पृथ्वी को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया। वो रूम अभी भी है बाग बाजार गौरिया मठ में, जब गया था हम लोग अभी भी वो रूम है, वो बिस्तर जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड गया, वो बिस्तर अभी भी है, वो रूम अभी भी है। वो रूम में कोई घुस नहीं सकता है, वो लॉक्ड है, लेकिन बाहर से देखा था उस रूम का। तो उस रूम का बाहर में एक तो कोट दिया हुआ है जो बहुत ही पावरफुल है। तो वो उस कोट में लिखा था कि जो भगवान का महान भक्त होता है ना, वो सिर्फ मनुष्य को उद्धार करने के लिए नहीं आता है, सब जीव को, पेड़ पौधा और दूसरा जीव को भी उद्धार करने के लिए आता है। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है।
और एक स्टेटमेंट तू बाग बाजार गोरे मठ में लिखा है, और एक स्टेटमेंट लिखा है बहुत ही पावरफुल है। हाँ, जो वो लिखा था कि मठवासी एकमात्र धर्म हाँ हे सह्य करा, मतलब भगवान का भक्त बनना है तो टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा कठिन सिचुएशन आएगा, परिस्थिति आएगा, बट टॉलरेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट if we have to move ahead in this Krishna conscious spiritual life. So, इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत सारा और लीला है, तो बहुत इम्पोर्टेंट भी और भी लीला है, लेकिन समय उतना नहीं है तो यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।